झारखंड के महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता पर चलेगा न्यायालय की अवमानना का केस। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूं राहुल सिंह। झारखंड हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार पर न्यायालय की अवमानना का केस चलेगा। महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार को कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि मंगलवार को महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना केस चलाने की मांग वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली थी। बुधवार को उस पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। उल्लेखनीय है कि साहिबगंज की युवा महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले में प्रार्थी उसके पिता देवानंद उरांव की ओर से अदालत में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना चलाने के लिए इंटरलोकेटरी आवेदन दाखिल किया गया था। आवेदन में कहा गया था कि पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार का व्यवहार अदालत की मर्यादा के प्रतिकूल था, इसलिए दोनों के खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाना चाहिए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा, इन दोनों के खिलाफ अवमानना का मामला नहीं चलाया जाना चाहिए। उस दिन क्या हुआ यह कोर्ट के संज्ञान में है, हम इसके बारे में नहीं जानना चाहते हैं, लेकिन मेरा आग्रह होगा कि इस मामले को नहीं चलाया जाए। हम इसके लिए बिना शर्त माफी मांगते हैं। लिखित रूप में आने पर यह कोर्ट के रिकॉर्ड में आ जाएगा, इसलिए इस मामले को अनावश्यक नहीं बढ़ाया जाए। इस पर अदालत ने कहा कि अदालत में क्या महाधिवक्ता ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, समस्या तो यही है कि उनकी ओर से ऐसा किया गया। सवाल उठाने पर हमने इस मामले को चीफ जस्टिस के यहाँ भेज दिया। सवाल सिर्फ जज पर नहीं बल्कि न्यायिक संस्थान पर उठा है। इस मामले में शपथ पत्र दाखिल किया जाए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि महाधिवक्ता की ओर से इस मामले में प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से कई बातों के बारे में कोर्ट को अवगत कराया था, ये अवमानना का मामला नहीं बनता है। क्या है पूरा मामला? दरअसल पिछली सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने जस्टिस ए.के. द्विवेदी से कहा था कि उन्हें अब इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 11 अगस्त को मामले की सुनवाई समाप्त होने के बाद प्रार्थी के अधिवक्ता का माइक्रोफोन ऑन रह गया था। वह अपने मुवक्किल से कह रहे थे कि इस मामले का फैसला उनके पक्ष में आना तय है, इस मामले की 200% सीबीआई जांच तय है। जब प्रार्थी के वकील इस तरह का दावा कर रहे हैं तो अदालत से आग्रह होगा कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं करें। चीफ जस्टिस को भेजा था मामला। अदालत ने महाधिवक्ता से कहा कि जो बात आप कह रहे हैं उसे शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करें, लेकिन महाधिवक्ता ने शपथ पत्र दाखिल करने से इनकार कर दिया और कहा उनका मौखिक बयान ही पर्याप्त है। इसके लिए अदालत ने महाधिवक्ता के बयान को रिकॉर्ड करते हुए इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। इस दौरान अदालत ने कहा कि एक आम आदमी भी न्यायालय पर सवाल खड़ा करे तो यह न्यायपालिका की गरिमा के अनुरूप नहीं है। जब यह सवाल उठ गया है तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को ही निर्धारित करना चाहिए कि इस मामले की सुनवाई कौन कोर्ट करेगी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने इस मामले की सुनवाई के लिए जस्टिस ए.के. द्विवेदी की अदालत में ही भेजा। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और खबरों को लाइक करें।